साथिया आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम लेके आए हैं उर्दू की नई किताब नवी जमात के लिए। इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में लिखा है। वैसे तो हर क्लास के बच्चे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1829 में पैदा हुए, 1910 में इनका इंतकाल, यानी काफ़ी लंबी उम्र रही। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली के रहने वाले थे। गदर 1800 के हंगामे में उनके वालिद को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। उसके बाद आज़ाद अपने ख़ानदान और सब कुछ छोड़कर बरसों इधर उधर फिरते रहे। फिर 1814 में वो लाहौर के महकमा तालीम में मुलाजिम हुए। यहाँ उन्हें अंग्रेज़ अफसरों से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने उर्दू में नई तरह की नज़्म व नसर की बुनियाद डाली। आज़ाद के साथ मौलाना हाली ने भी दिया एक नई तरह के मुशायरे की बुनियाद, जिसमें मिसरे तरह के बजाय नज़मों की तरह उन्वान दिया। अंग्रेज़ों तर्ज की किताबों की तरह उर्दू में भी किताबें लिखी जाने लगी। इसमें आज़ाद की किताब नरंगे ख्याल जो 1880 में लिखी गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात नाम की किताब 1881 में लिखी। इस किताब में नए ढंग से उर्दू जबान और शायरी की तारीख तफसीली तौर पर बयान की गई है। तर्ज वाक़यात की दिलचस्पी और मिसालों की कसरत की वजह से किताब बहुत मशहूर है। इन्होंने आब हयात की तर्ज पर फारसी की में फारसी ज़बान व अदब पर भी एक किताब सुखनदान फ़ारिस लिखी, लेकिन वह ज़्यादा मकबूल नहीं हुई। इसकी इन किताबों के अलावा उनकी किताबें जो औरतों और बच्चों के लिए, उसका नाम नसीहत का किरण फूल, और एक और किताब है दरबार अकबरी लिखी जो काबिल ज़िक्र है। इसके अलावा उर्दू फारसी की छोटी छोटी किताबें लिखी जो बच्चों को पढ़ाई जाती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात बहुत मकबूल है। इसमें उन्होंने शायरों के बारे में और दीगर किस्से वाक़यात और लतीफ़े लिखे हैं, बहुत पसंद किए गए और आज तक किए जाते हैं। हालांकि कुछ नाक़िदीन ने यह भी लिखा है कि कुछ बातें गलत हैं, लेकिन फिर भी आब हयात आम मकबूल है। आम जो मज़ामीन आब हयात के यहाँ दिए गए उसमें मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, 1781 सैयद मीर सोज़ और याह्या ख़ान जुर्रत के हालात हैं, उन तीनों शायरों के हालात अलग अलग हमारे सामने आते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।